हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं आपके साथ वीडियो लाई हूँ, बहुत यूजफुल लाई हूँ। टीवी पेंट स्टिक क्रायलॉन का आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई योर फेवरेट क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक और कितने वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे मेरा ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक, जो कि शॉर्ट वॉर्ड्स में मैंने शेयर भी किया है। ये देखिए, इस तरह का होता है। इसका जो शेड है वो है G165, यानी कि ये मेरे मीडियम से लेकर डार्क स्किन टोन तक के लिए है और काफी अच्छा इसका इफेक्ट आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसकी अच्छी खासी आपको क्वांटिटी मिल जाती है। ये इस तरह का शेड है, ये शेड ऐसा है, आपको कैमरे में थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये हम लोग के स्किन टाइप के लिए परफेक्ट शेड है। अब इसको अप्लाई करने का, आप इसको डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले अपने स्किन को प्रेप कर ले, जिसके लिए मैं अपना एक फेवरेट मॉइस्चराइजर मिनिमलिस्ट का ले रही हूँ और इसको जो है थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत जरूरी है फेस पे, और इस तरह से मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा ले रही हूँ। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, मेकअप आपका लॉन्ग लास्ट करेगा, वैसे भी ये लॉन्ग लास्ट करता ही करता है, 24 घंटे मेरे नहीं हटता है। वैसे इसका दावा 10-12 घंटे का होता है, लेकिन ये 24 आवर्स तक नहीं हटता है। अच्छा, मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर, कोई भी आप प्राइमर लीजिए। मैंने लिया है मास्टर प्राइम, मेबेलिन का मास्टर प्राइम लेते हैं, थोड़ा सा एक पी साइज अमाउंट, और उसके बाद इसको जहां पे आपको लगता है कि पोर्स है वहां पे पहले कर लीजिए, थोड़ा सा टी जोन पे, और इस तरह से प्रेस करते हुए अपने पोर्स को जो है अच्छे से फिल कर लीजिए। ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रही हूँ आपको क्रायलॉन लगाने का। इसके बाद जो है, जब हमने पोर्स फिल कर लिए, थोड़ा सा रुक जाना पड़ता है जिससे कि वो पोर्स में एब्जॉर्ब हो सके, और इसके बाद मैं अपना पेंट स्टिक अप्लाई करूंगी। पेंट स्टिक अप्लाई करने के लिए सबसे एक बेसिक तरीका यही होता है कि इसको आपने लिया और इस तरह से अप्लाई कर लिया। हर एप्लीकेशन के बाद आपको उसका कैप टाइटली क्लोज कर देना है, मतलब हवा में सूखना नहीं देना है, और इसके बाद जो है हमने इसको इस तरह से ब्लेंड कर लिया। ये इजिली ब्लेंड हो जाता है, एक तो बहुत ही बटरी सॉफ्ट क्रीमी बेस है ये, एज अ मेकअप बेस इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके स्किन को जकड़ लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, ये आपके स्किन से चिपक जाता है और जब तक आप नहीं रिमूव करते जल्दी नहीं हटता। ऐसा नहीं है कि आपने जगह आपने ऐसे किया वो हट गया, जरा सा ऐसा सा छुआ हट गया, फोन कान में लगाया और बात किया पता चला फोन में ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, पसीने से भी नहीं बहता है। तो ये इस तरह से वाटरप्रूफ कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए और ये देखिए। अब जो है सेकेंड यूज उसका हम आपको दूसरी तरफ लगा के दिखाएंगे। सेकेंड यूज के लिए आपको जो है अपना पेंट स्टिक को लेना है, पेंट स्टिक को, और अपने यहां पे ले लेते हैं, सबसे अच्छी बात है पाम में ले लीजिए या आप पीछ, इस तरह से इसको अच्छे से जो है इस तरह से अच्छी सी क्वांटिटी सी कर ले लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद जो है इसमें अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर मिला लीजिए और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ब्लेंडिंग मिक्स कर लीजिए। और जब आप ये देखिए इस तरह से मिक्स आपने कर लिया, और इसके बाद आप उसको फिंगर की हेल्प से दूसरे साइड पे, जैसे मैं लगा कर रही हूं, आप इसको अपने पे यूज कर सकते हैं। ये पार्ट इग्नोर होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कोई भी मेकअप बेस लगाने से पहले। तो एक साइड मैंने इस तरह से लगाया है, एक साइड मैंने मॉइस्चराइजर के साथ मिला के इस तरह से किया है। अब मैं आपको इसको जहां पे मैंने लिया था इसमें भी अच्छे से ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। काफी हाइड्रेटिंग बेस बन जाता है, और आपने जो फेस पे लगाया है इसको हल्के हाथों से, चाहे ब्रश से चाहे फिंगर से, हाथों से ही आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये भी आपको एक परफेक्ट बेस देता है।
ये भी बेस देखिए परफेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लोई है, जबकि मॉइस्चराइजर मैंने इसमें भी अंदर लगाया है, बेस के अंदर लगाया है। तो ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। गर्मियां है और आपको बिल्कुल भी ऑयल फ्री चाहिए तो मॉइस्चराइजर अंदर एब्सॉर्ब करा लीजिए, कर लीजिए अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा के मसाज करके, उसके बाद आप सीधे डायरेक्ट पेंट स्टिक लगा लीजिए। तो गर्मियों में आप पसीना और जो उमस होती है उसमें आपका ये बेस परफेक्ट रहेगा। और अगर वही आप यूज सर्दियों में करना चाहते हैं, आपका बेस हाइड्रेटिंग भी रहे, मॉइस्चराइज भी रहे और परफेक्ट कवरेज भी रहे, लॉन्ग स्टे भी करे, तो आप इस तरह से अपने बेस को मॉइस्चराइजर के साथ लेके मिला के लगा सकते हैं। अब ये मैंने आपको दोनों टेक्निक्स बता दी, अब थर्ड टेक्निक पे चलते हैं। आप अपने क्रायलॉन पेंट स्टिक को मॉइस्चराइज मतलब फाउंडेशन के बाद, यानी कि फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करने के बाद, इसे आप कंसीलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपना बेस लगा लिया, उसके बाद कंसीलर के लिए अलग से नहीं, इसी को एक कोट और आप अपने अंडर आई पे और जहां जहां आपको कंसील करना है वहां लगा लीजिए। और ये देखिए, एक तो इजीली मक्खन की तरह ब्लेंड होता है, सबसे अच्छी बात ये है। और ये देखिए इस तरह से इसने कंसील भी कर दिया, कहीं से भी डार्क सर्कल्स, या वैसे तो टच फुट मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का नींद पूरी ना होने की वजह से या रात में जगने की वजह से हल्का लगने लगता है और एक एज वो भी आ जाता है, तो इस वजह से ये आपको पूरी तरह से इसने कवरेज दे दी है। अब इसको हल्के पाउडर से सेटिंग सेट कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड वे यूज करने के बाद इसको जो है आप कैसे इसको कॉन्टोर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कॉन्टोर के लिए, इसका एक डार्क शेड आता है, बिल्कुल डार्क शेड आता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा टैन, जिसका शेड नेम होता है टैन, उसकी मैं फोटो लगाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे है, उससे उसको जो है एज अ कंटोर इस तरह से आप एज अ कंटोर यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है। डार्क शेड रहेगा तो अच्छे से आपका कॉन्टोर पता चलेगा, ये देखिए काफी अच्छे से आता है। मुझे इससे परफेक्ट बेस नहीं मिलता है, मैंने आज तक जो है काफी बेस इस्तेमाल किए हैं लेकिन इतना परफेक्ट बेस मुझे जल्दी नहीं मिला है। बड़े से बड़े ब्रांड को ये टक्कर देता है। और टीवी आर्टिस्ट क्यों फाउंडेशन यूज नहीं करते हैं, हर थोड़ी देर में उनको टचअप करने की जरूरत पड़ जाती है, बेस हटने लगता है दोबारा से बेस लगाने पे, पहले में और उनके सेकेंड बेस लगाने पे अंतर सा आने लगता है, तो वो पता चलने लगता है कि यहाँ पे कट हुआ था। तो इसलिए टीवी पेंट स्टिक वो लोग यूज इसलिए यूज करते हैं कि बस इसको लगा लिया और पूरी शूट इसी पेंट स्टिक पे हो जाती है। एक तो शूट के समय ये आपके फेस को हाईलाइट भी कर देता है, क्योंकि मेकअप रहना चाहिए ऑन आपके, क्योंकि कैमरे के आगे मेकअप ऑन होना चाहिए, और इसलिए और उनका फ्लॉलेस बेस जो है इससे परफेक्ट बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से भी यूज किया है। अब इसका जो है फोर्थ और लास्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका यूज हम और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक लिपस्टिक, जो रेड मिल गई है। चलिए अब जो है इसको मैं एज अ लिपस्टिक बेस यूज करूंगी। लिपस्टिक बेस मतलब आप समझ गए होंगे, पहले मैं लिपस्टिक रिमूव कर लूं। बहुत लाइट सा लगा रखा था, अब मैं इसको एज अ लिपस्टिक बेस यूज करूंगी, लिप बेस अपना ये। आप देख सकते हैं इसको आप सेट हो जाने दीजिए। जहां आपको हल्का सा ब्लैकनेस दिखे, थोड़ा सा भी दिखे, स्किन अनइवन टोन, वहां पे आप ऐसा कंसीलर या कलर करेक्टर की तरह इसका यूज कर लीजिए। अब मैंने अपना बेस मेरा जो लिपस्टिक के लिए लगाया था उसके नीचे मैंने जो लगाया है उसको थोड़ा सा सेट हो गया है। अब मैं अपना लिपस्टिक लट लगाती हूं। यही लिपस्टिक मैंने लगा भी रखी थी, तब के कलर में और अब के कलर में आपको काफी फर्क लग रहा होगा, क्योंकि जब आपने मेकअप बेस लगा लिया है उसके ऊपर से लिपस्टिक लगाई है तो इसका जो एक्चुअल कलर है ना वो पॉपअप होके आ जाता है। ये लिप्स में ये एक्चुअल कलर आया है, अभी 2 सेकंड पहले का आप मेरे लिप्स देख लीजिए और ये लिप्स देख लीजिए, यही शेड मैंने यूज किया है।
ये आप समझ गए होंगे, आपने बेस लगाने के बाद अगर ये क्रायलॉन पेंट स्टिक का बेस लगा लिया, उसके ऊपर से अगर आपने ये लिपस्टिक लगाई हुई है, तो एक्चुअल लिपस्टिक का जो कलर होता है ना वो पॉप होके आ जाता है, जैसे कि ये मेरा आ गया है, इजिली ग्लाइड हो जाता है और लॉन्ग स्टे भी करता है, एक्चुअल कलर आपका पता चलता है। अगर आप कभी पीआरस वगैरह कर रहे हैं, आपको एक्चुअल कलर ही दिखाना है, तो कोशिश करिएगा कि इस तरह से बेस लगाने के ऊपर से लिपस्टिक लगाइए, जब एक्चुअल कलर पता चलता है तो वो हम शेड बता सकते हैं। जैसे ये 09 शार्लेट CHARLOTTE शार्लेट जो है इसका शेड नेम है, 09 शेड नंबर है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ये एक्चुअल यही आएगा आपके पास, अगर आप ये ऑर्डर करते हैं तो यही आएगा, लाल पीला गुलाबी नहीं आएगा, यही चीज मैं आपको क्लियर समझाना चाह रही थी। अब अगर मैंने फेस कवर कर लिया है और मेरा नेक छूट गया है तो वो भी देखने में बहुत बुरा लगता है, तो इसको जो है एज कवरेज के लिए आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो फिंगर से इसको ब्लेंड बहुत इजीली करती हूँ। फुल मेकअप मेरा इस एक पेंट स्टिक से हो गया, मैं आपके सामने हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, परफेक्ट मेकअप बेस है, हाईली रिकमेंड करते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, जिस प्रोडक्ट का लिंक्स आपको जरूरत पड़ती है, मैंने नहीं दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दिया करिए, मैं दे दिया करूंगी, एडिटिंग करके डाल देती हूँ, गड़बड़ हो जाती है, भूल जाती हूँ लिंक्स देना, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी तरह से आप हर यूज में कर सकते हैं, एक मल्टी टास्किंग स्टिक है ये, इसको आप हर वे में यूज कर सकते हैं, और मेकअप वैनिटी में तो नहीं चाहिए। अगर आप मेकअप लवर है, न्यूली वेड है, या आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप मेकअप पसंद करते हो, तो आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये मैं लगा के, अब ये मैं आप इसको पहन के खाऊंगी, पीऊंगी, सोऊंगी, शाम को मैं जब आपके सामने दूसरी रिएक्शन वीडियोस भी लाऊंगी तो भी मैं इसी बेस के साथ आपको दिखूंगी। ये नहीं कि यहां से हट गया, वहां से हट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मेरा बेस आज का कंप्लीट हो गया है, अब मैं कल ही दूसरा बेस लगाऊंगी, रात में मुंह धोऊंगी, ऑब्वियसली फेस क्लीन करके ही सोऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसके इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर यूज करिएगा, हमें आपसे बात करने में अच्छा लगता है। आप लोग जानते हैं मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स में करती हूँ, तो प्लीज करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल से भी जो है वो भी इसको सब्सक्राइब कर दे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए